नमस्कार दोस्तों, आज हम शहर, व्यापार और शिल्प नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम हम्पी की वास्तुकला के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद मसूलीपट्टनम, सूरत, देवघर और रेशम मार्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले बात करते हैं हम्पी की। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। कृष्णदेव राय जो कि एक महान शासक थे, इनके शासनकाल में हम्पी अपनी समृद्ध चरम सीमा पर थी। यह स्थापत्य कला, व्यापार आदि के लिए प्रसिद्ध थी। हम्पी कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। वर्तमान में यह खंडहर के रूप में मौजूद है। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि यहाँ कभी समृद्धशाली साम्राज्य रहा होगा। यहाँ की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों को शिलालेखों से आपस में फंसाकर बनाया गया था। हम्पी की वास्तुकला भी विशिष्ट थी, जहाँ भव्य मेहराब और गुंबद से युक्त शाही भवनों का निर्माण होता था। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष बने थे। यहाँ कई सुंदर मंदिर भी बनवाए गए। विरूपाक्ष मंदिर एवं विट्ठल स्वामी मंदिर यहाँ की तत्कालीन वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। हम्पी में विट्ठल भगवान का रथ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया। मंदिर के निचले भाग में सभी जगह सुंदर नक्काशी की गई है। यहाँ पर सुव्यवस्थित बाग बगीचे थे, जिनमें बने कमल और टोड़ों की आकृति मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। 1565 ईस्वी में दक्कनी सुल्तानों, जिनमें गोलाकुंड, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के द्वारा विजयनगर की पराजय हुई और हम्पी का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अब बात करते हैं मसूलीपट्टनम की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में यह नगर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी कंपनियों का अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। हॉलैंड वासियों यानी डचों ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे मसूलीपट्टनम का किला कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर गोलाकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया। इसके तहत कपड़े और मसाले खरीद बिक्री पर शासक का अधिकार स्थापित हो गया। बाद में गोलाकुंडा में मुगलों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके बाद सन 1686-87 में मुगल शासक औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया। अब यूरोपीय कंपनियों को ऐसे नए जगहों की आवश्यकता महसूस हुई जो व्यापारिक केंद्रों के साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्व के हों। इस उद्देश्य के लिए यूरोपीय कंपनियां बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की ओर चली गईं। अब बात करते हैं सूरत की, जिसे पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख शहर है। यह कपड़ा उद्योग और हीरे के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिल्क सिटी या फिर डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। सूरत गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह था। मुगल काल में सूरत गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। यहाँ से हारमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करना आसान था। मक्का जाने वाले बहुत से यात्री सूरत बंदरगाह से प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। सूरत में सभी जातियों के लोग रहते हैं।
अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले हुए खड़े देखे जा सकते हैं। सूरत सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी वाले वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इस प्रकार के वस्त्रों की मांग ज़्यादा थी। सूरत में सूती कपड़ों के कई थोक और फुटकर व्यापारी थे। यहाँ यूरोपीय कंपनियों के अलावा काठियावाड़ी सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ भी थीं। परंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत के गौरव में कमी आने लगी। इसके कई कारण थे, जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि होने लगी। 1723 में मराठों का सूरत पर आक्रमण हुआ। अंग्रेजों और डचों के बीच समुद्री मार्गों पर नियंत्रण को लेकर प्रतियोगिताएं उत्पन्न होने लगीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देवघर की। झारखंड में स्थित देवघर भारत के मुख्य मंदिर नगरों में से एक है। देवघर को वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। झारखंड का यह देवघर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। मंदिर परिसर में 22 मंदिर स्थापित हैं। सावन के महीने में अर्थात जुलाई अगस्त में यहाँ भगवान शिव की पूजा और आराधना बड़े जोर शोर से होती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि रावण के द्वारा यहाँ इस शिवलिंग को लाया गया था, अतः यह रावणेश्वर बैद्यनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजा पूरणमल ने 1514-15 में यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के कारण पूजा सामग्री एवं अन्य आवश्यकताओं के मद्देनजर शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी मंदिर से जुड़ गई। धीरे धीरे देवघर की आबादी में बढ़ोतरी होती गई और यह एक मंदिर नगर के रूप में विकसित हो गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रेशम मार्ग की। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा, जिसका व्यापार इस मार्ग से होता था। इस मार्ग के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। भारत मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर चीन को भेजता था तथा चीन से रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भारत लाए जाते थे। रेशम मार्ग का जमीनी हिस्सा 6500 किलोमीटर लंबा था। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने हम्पी की वास्तुकला के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद मसूलीपट्टनम, सूरत, देवघर के बारे में भी अध्ययन किया, साथ ही रेशम मार्ग के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।